राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 संकेंद्रित वृत्तों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नैश हॉपकिंस समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the Armed Forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates the indomitable courage. The sudden day of the memorial is based on distinct schemes of four concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness next of the ceremony. Jai Hind. शहीदों की चिताओं पर लगे हुए हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ के समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी क्रमांक 88408 ए सेबेस्टियन लीडिंग टेलीग्राफिस्ट को, श्रीमती मरियम माल एवं श्री आर केव के वीर पुत्र ए सेबेस्टियन जिला त्रिची तमिलनाडु से संबंध रखते थे और भारतीय नौसेना को खुकरी पर तैनात थे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी बेड़े के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस खुकरी ने पश्चिमी मोर्चे पर संचालन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिनांक 9 दिसंबर 1971 को एक पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन को अंजाम देते समय एक टॉर्पीडो की वजह से पानी के नीचे हुए विस्फोट ने जहाज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और जहाज पानी में डूबने लगा। इसके कुछ समय पश्चात ही दूसरा टॉर्पीडो जहाज से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण डूबने लगा। इस तथ्य के बावजूद भी उनके जीवित रहने की संभावना प्रतिपल कम होती जा रही थी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए स्वर्गीय एस रशियन रीडिंग टेलीग्राफिस्ट ने अपने कर्मदल की सुरक्षा हेतु भरसक प्रयत्न किया और क्षति नियंत्रण एवं बचाव अभियान को जारी रखते हुए एक उत्तम योद्धा की भांति सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान दिया। देवियों और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी
देश का सम्मान करना है। आज नेशनल पीस समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी स्वर्गीय एस सरस्वतियन लेडी टेलीग्राफिस्ट की पत्नी श्रीमती ग्रेस सरस्वतियन समस्त राष्ट्रीय ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next open ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of fallen soldiers. In today's next open ceremony, we remember and honor the valiant service of number 88408, late A. Sebastian, leading telegraphist, son of Sri Aurangzeb and Srimati Mariamman. A. Sebastian, leading telegraphist, was a resident of District Trichy in Tamil Nadu, and was posted on board INS Kukri during the 1971 war with Pakistan. INS Kukri was a frontline warship of the Western Fleet that played a key role during operations on Western Fleet. On 9 December 1971, while carrying out an anti-submarine operation, an underwater explosion caused by a torpedo severely damaged the ship, and the ship started taking in water. After some time, the ship was struck by a second torpedo, resulting in very severe damage, and the ship started sinking. Despite the fact that the chances of his survival were become dimmer with every second, he continued the damage control and rescue operation for the safety of his shipmates. And in doing so, the gallant hero, A. Sebastian, leading telegraphist, made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, to honor our soldier is to honor our nation. In today's lesson,